अरे तुम कहाँ से आ रही हो सुबह सुबह? बस वो मैं और शहीर रात को पूल के पास बैठे हुए बातें कर रहे थे, वही मेरी आंख लग गई। शहीर भी तुम्हारे साथ था भाई? अंदर है वो? उसको भी बस नींद नहीं आती ना, सारी रात इधर उधर फिरता रहता है। जी अजीब है वैसे, जा ही रहा था अंदर तो तुम्हें भी उठा के साथ ले जाता। वो मैं इतनी बेखबर सो रही थी, शायद वो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं जाती हूँ। ठीक है, जाओ देखो। क्या हुआ है? कुछ नहीं, सोच रही हूँ इतनी सुबह हो गई, अब क्या करूंगी सो के। जाग ही लेती हूँ। अंदर रुस्तम है ना, ये शहीर भी ना, मुझे लगता है जानबूझकर तुम्हारे लिए परेशानियां बढ़ा रहा है। मुझे तो इनकी समझ नहीं आती मम्मी, अभी रात को बिल्कुल ठीक थे मेरे साथ, एकदम इनको क्या हो जाता है? पता नहीं इसके मूड का भी, खुद ही कहता है कुछ करने को और फिर खुद ही उस बात पे इतना नाराज हो जाता है। ये समझ नहीं आ रही बेटा, तुम कैसे हैंडल करोगे ये सब कुछ? कर लूंगी मैं हैंडल। कोई एक चैलेंज थोड़ी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास तो इस घर में सोने के लिए भी कोई जगह नहीं है। मुझे पता है वो ये सब क्यों करता है मम्मी, ताकि मैं घबरा के डर के यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं करूंगी। बहुत गलत बात है, मैं करूंगी उससे बात। अच्छा चलो जाओ, मेरे कमरे में जाके आराम कर लो, थोड़ी देर सो जाओ। मम्मी सुबह हो गई, अब क्या करूंगी मैं सो के? क्यों तकल्लुफ कर रही हो बेटा? देखो अपना ख्याल नहीं रखोगी ना तो ये जंग कैसे लड़ोगी, है ना? जाओ जाओ मेरे बच्चे, जाओ जाके सो जाओ थोड़ी देर। सुने मम्मी, आई एम रियली वेरी सॉरी। उस दिन मैंने आपको इतना कुछ कह दिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा कोई बात नहीं, अब तो हम एक फैमिली है ना, तुम इस फैमिली का हिस्सा हो, है ना? उसमें तो ऊंच नीच हो जाती है। तुम अगर मुझे गलत नहीं समझोगी ना, मेरे लिए यही बहुत है। ओके चलो जाओ, गो गेट सम रेस्ट। थैंक यू। प्लीज नहीं उठो, मैं बस अपना फोन लेने आई थी। सो जाओ। रहने दीजिए, मैं जा रही हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या बात है, बताओ तो सही मुझे। देखिए अगर आपने मुझसे झूठ बोला ही था तो कार्ड तो छुपा लेती। वो मैं रहने दे। देखिए आपकी अपनी जिंदगी है, आप जो मर्जी करें उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। वैसे भी आप मेरी सास हैं, आपको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तो मुझे गलत समझ रही हो मायरा, मुझे एक मौका तो दो। फिर वही, मुझे शर्म आ रही है आपसे ये सारी बातें करते हुए, आप अनकंफर्टेबल नहीं होती? देखिए मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मैं जा रही हूँ, प्लीज। अच्छा प्लीज, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, नायला और शहीर को इस बारे में कुछ ना बताना अभी। व्हाट, सीरियसली? आप वाकई एक बहुत अजीब औरत हैं। फिक्र ना करें, नहीं बताऊंगी मैं उनको कुछ भी। लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरी भी आपसे है, और वो ये है कि प्लीज अब आप मेरे से दूर रहिए। मुझे लगा था तुम मुझे समझोगी, मगर तुमने तो मेरी बात सुनने से पहले ही मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो आप क्या चाहती हैं,
कि मैं आपके किस्से कहानियां सुनूं, ये सारी बातें सुनूं जिनसे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। अब समझ आइए मुझे कि आप मेरी सास होते हुए इतनी अच्छी क्यों है मेरे साथ, क्योंकि आपके अपने फायदे जुड़े हुए हैं। एक मौका भी नहीं दोगी मुझे? मैं तुम पे बहुत डिपेंड कर रही थी, मेरा ख्याल था तुम उन दोनों से डिफरेंट होगी। आप वाकई बहुत अजीब औरत है। सीरियसली आप मुझे समझ आइए कि शहीद जो कुछ भी मुझे कहते थे वो सब कुछ ठीक था, और मैं कितनी गलत थी कि मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया। नाउ इट मेक सेंस कि आपके बच्चे नॉर्मल क्यों नहीं है, नॉर्मली क्यों नहीं सोचते, वो एब नॉर्मल है बिल्कुल। देखिए मुझे आपसे बात नहीं करनी।